गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं फातिमा रिजिस ब्लॉग। सो आप लोगों को ईद का ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। हम लोग इस बार ईद करने गए थे अपने अयू के पास और देखो यहाँ हमारे यहाँ क्या बारिश हो रही है। बॉम्बे में कब बारिश रुकेगी पता नहीं है, इसकी वजह से हमारे कपड़े भी नहीं सूख रहे। तो आया अरहान, एक बज गया है, अरहान को लाने जा रहे ट्यूशन से। देखो रेडी भी हो गए नहा धो के। हाय करो, हेलो करो। अरहान को ट्यूशन भी लगाना था, वो ट्यूशन भी उसको लगा चुके हैं। ट्यूशन अभी जा रहा कर रहा है और फिर उसके बाद अभी 1:10 या 1:15 को आयु से अभी बात भी करना है। आज है सैटरडे और एक का और आप लोग को गुड न्यूज़ देना है जो अभी नहीं बाद में देंगे आपको लास्ट में। जब तक के लिए आप आगे का ब्लॉग देखते रहिए। सो बाय बाय। लड़की के जैसे लगा ली फिर हो गए पूरे। तुम्हारा अपॉइंटमेंट कितने बजे का है स्पा का? मेरा 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। 4 बजे का? हाँ 4 बजे का। ओहो देखो भाई, इतना तो लड़कियां भी नहीं करती है इतना ये करते। रेडी होते हैं के लिए रेडी होना पड़ता है। चलो जाओ बेटे को लेके आओ। एक सवा एक तक पहुंच जाओगे, 10 मिनट में आ जाओगे जाके, क्योंकि अयान से बात भी करना है। अयान का कॉलिंग टाइम है अभी। बारिश हो गया है? बारिश पे भरोसा मत करो, वो तो हो ही रहा है बारिश। हाँ ये देखो ये कपड़े जो सूख नहीं रहे हैं, हल्के हल्के सूखे। अभी ये सब को अभी आयरन होएगा, ये सब आयरन बाकी है, ये आज धो के डाले हैं वो कपड़े सूखने का नाम नहीं। अयान का कॉलिंग का टाइम हो गया है तो अभी मैं जा रही हूँ अयान को कॉल करने के लिए। अभी तक अरहान उसके डैडी भी नहीं आए तो जब तक मैं उससे मैं बात कर लेती हूँ। कॉल लगा रही हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, मैं आयान की मम्मा बोल रही हूँ, आयान शेख की। हाँ आयान की डोम पेरेंट्स। मैम आयान शेख एक्चुअली ना डांस क्लास के लिए गया है। अच्छा अच्छा। 22 को एग्जिट है ना। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी चल रहा है। ओके। तो मैंने उसको बोला था अगर मम्मी का कॉल आता है तो मैं बोल दूंगी। हाँ? कि मतलब नेक्स्ट वीक तक है, एडजस्ट कर लो, क्योंकि मम्मी पापा के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा। तो सॉन्ग डांस बात कोरियोग्राफर आए हैं। ओके, ओके। तो उस लोग वो डांस प्रोग्राम में है तो फिर उनसे फिर बात फिर कब होगी? अब तो और चांस नहीं है मैम, क्योंकि ये और हर दिन अभी स्कूल के बाद भी बिजी रहेंगे। okay. क्योंकि आज ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, तो इनको प्रोग्राम की तैयारी करना है। okay, और अभी 1:30 को भी इन लोगों को स्कूल जाना है कुछ प्रोग्राम के लिए। okay. कल भी होगा, संडे भी होगा। okay. और फिर मंडे स्कूल के बाद भी होगा। तो फिर लगता है हम डायरेक्ट 22nd में मिलेंगे ना, फ्राइडे को। जी जी जी, फ्राइडे मिलेंगे आप लोग। सो आयान का तो आज बात नहीं हुआ, अब डायरेक्ट उनको नेक्स्ट वीक ही हम डायरेक्ट उनको मिल जिस 22nd को लेने जा रहे हैं फ्राइडे को, तो उसी दिन डायरेक्ट मिलेंगे। आओ देखते हैं बालिका क्या कर रही है। आओ बालिका। हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो? क्या बना रही है? कड़ी खिचड़ी बना रही हूँ, कड़ी और खिचड़ी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो भजिया विजिया खाना तो बहुत जरूरी है भाई। जाहिर सी बात है, है कि नहीं? बहुत टेस्ट भी लगता है इस मौसम में, है ना? वो तो है, ठंडी में सब कुछ ना कुछ खाते रहे, नहीं खाएंगे। और देखो कौन आ गया ट्यूशन से, अरे कौन आया? हां आ रहे ट्यूशन पढ़ के आ गए। मम्मा रात को मेरे को जाना है ना। हां फोन का टाइमिंग का ये हुआ कि मैंने अभी फोन की थी मंजुषा मैम ने बोली। हाँ। कि क्या? हाँ वो कुछ है ना प्रोग्राम है 22nd का,
तो लोग 22nd को है ना कुछ प्रोग्राम रखे है अच्छा। पेरेंट्स और सब लोग के लिए हाँ। तो उसी वजह से ना अभी डांस वगैरह यही सब में अभी है ना बच्चे लोग सब बिजी है, तो आप डायरेक्ट 22nd ही को मिलोगे उसको। तो अभी आया डांस क्लास में गया हुआ है, तो कोरियोग्राफी लोग आए हुए है बॉम्बे से। हाँ वेरी गुड। ये देखो इनको इनको दिया गया था बैग में, बेटे को ट्यूशन में कि खा लेना चिप्स और ये क्रूशन, बगर इसने खाया ही नहीं है। अरे मैं भूल गया, एक बार बोलता हूँ तो समझता नहीं हो, भूल गया तो भूल गया। अरे तुम किस प्यार से बोल दो, इतना गर्म खून क्यों है आपका? जब एक बार बोल रहा तो समझ रहे हो? नहीं। अरे तो आपने अभी तक बोले कहाँ? डैडी अभी आप ही पूछे ना कि इससे पहले भी बोल चुके हैं। नीचे मैंने गाड़ी में पूछा था, इसके लिए बड़ा करा था। एक ही सवाल को बार 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 बार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। स्लो सो आज फोन करने का मिस हो गया। अब डायरेक्ट उनको अगले हफ्ते मिलेंगे हम लोग। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट हफ्ते, यानी कि अभी 22nd को हम लोग वापस जाने वाले हैं आयान को पिकअप करने के लिए। उसका व्लॉग तो नहीं बनाएंगे, मगर हाँ अभी से बता के रख रहा है कि 22nd को हम लोगों को पिकअप करने मतलब जाना है। मतलब उस दिन का व्लॉग बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले हाँ, हम लोग सोचे थे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी पता जस्ट चला कि ये ना प्रोग्राम है। हाँ। तो उन लोग कुछ है ना पेरेंट्स सब लोग के लिए लोग है ना रख रहे प्रोग्राम। ओके तो मुझे लगता तुम्हें भी नाचने बोलेंगे, डांस सीख लो तुम भी टीवी पे देख के। सुनो गाइस, डांस करोगे तो स्टेट ही टूट जाएगा। इसको बोलते हैं खुद की बेइज्जती कराना खुद के मुंह पे। तुम तो बड़ा मजा ले रहे हो तू। अरे बड़ा खुश हो रहा है। अरे इधर आके बैठ तो तेरा अच्छा वीडियो देखेंगे। हाँ इधर इसमें तरफ कैमरा करो। ये बताओ कि तुम तो नागिन डांस करोगे? हाँ रुमाल जैसे अपने शादी में किए थे। हाँ रुमाल नागिन डांस। कौन सा वेफर का रहा है? क्रुशन। क्रुशन इधर है, वेफर उधर है। कुछ भी भूख लग रहा है क्या तुमको? हाँ भूख पे याद आया, मुझे बहुत जोर की एसिडिटी हुई हुई है। अलवा मीठा खा लो। नहीं ना और होगा, मैं जा रहा हूँ अभी वो कुछ देखता हूँ। ठंडा दूध, ठंडा दूध, ठंडा दूध पकड़ो। दही मलाई पकड़ो, मैं ठंडा दूध पीने जा रहा हूँ। कितना चाहिए कहो ना। नहीं यार और अभी हो जाएगा। अरे नहीं होता है, बहुत कमजोर आदमी हो तुम पेट के मामले में। क्या बोल रहे हो? मैंने बताई पहले ही बताई। नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना था, दूध पानी और शक्कर ना। क्या दूध पानी शक्कर कर रहे हो? क्या चीज के लिए? पहले शक्कर डाल, ठंडा दूध डाल। एसिडिटी हुए भाई। हाँ तो पहले दूध लो, पानी शक्कर भी थोड़ा सा चाहिए, फीका दूध तो पानी अच्छा नहीं लगता। चावल में मैं अजय पत्ता डाल रही हूँ। हाँ बासमती चावल का पत्ता है ये। मतलब सॉरी चावल का पत्ता नहीं है, उसमें डाला जाता है। ये किसका नजर उतारने के लिए यहाँ रखी है सब? तुम्हारा, इतने जो तुम तैयार हुए हैं ना। एसिडिटी हुई है ना भाई को, इसी के लिए। अरे यार ये नजर उतारने का सामान थोड़ी है, लाल मिर्च रहता है नजर उतारने का। ये कचड़े को नजर उतारने का सामान बोल रहे तुम? इसी से तुम्हारा नजर उतारेंगे, इस कचड़े से। उसमें से नहीं उतरेगा। अरे नजर से याद आया, सनीचर है ना। दूध लिए, पानी नहीं लियो? पानी लेंगे ना अभी। तो तुम्हारा एसिडिटी किधर जाएगा? तुम तो दूध ही तो ज्यादा ले रहे हो। आधा ग्लास दूध रहता है, आधा पानी रहता है, बराबर रहता है। यहाँ तो 90% तुम दूध ले रहे हो, 10% पानी ले रहे हो। इसमें मिलाया हूं तो है ना। बहुत पुरानी सोच है तुम्हारी, दूध फट जाएगा। क्यों आजकल दूध नहीं फटता है क्या? कुछ नए तरीके का आ रहा है। बालिका जब से आई है तब से हमारे डिश बदल गए। हम प्योर नॉन वेज से वेज वाले हो गए, कड़ी खिचड़ी से गुजारा चलाना पड़ रहा है। और क्या नाश्ते में? डोसा, पोहा, डोसा, यही सब चल रहा है। इंडियन इसने हमें बना के रख दिए। सब तरीके का खाना खाना चाहिए। सही बात है, है कि नहीं? हाँ वरना लेकिन मजा आता है ना। डोसा खाने में अच्छा लगता है। एक दिन वो बनाना बालिका, क्या बोलते हैं उस दिन, क्या नाम ली थी? अप्पे अप्पे अप्पे। हाँ अप्पे अप्पे बनाना, अप्पे खाएंगे। अप्पे का बर्तन तो नीचे ही है।
हाँ सो मुझे चार लंच वंच करके फिर मैं भी लिख लूँगी अपने स्पा के लिए जो हर महीने मेंटेन रखना पड़ता है। इतना सड़े मुझसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? एसिडिटी हुआ इसलिए अभी कुछ नहीं बोल रहा। पेट में हुआ कि दिमाग में हुआ? बहुत जलन हो रहा था यार, सुबह सुबह आलू का पराठा आपने खिला दिया तो मैंने इसके लिए बनाई थी और मेरे को हुआ उल्टी। दोनों वाला खा के उल्टी हुआ। सो गाइस, मेरे इतने सारे मेहनत करने के बावजूद जो है वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे हैं और मैं कर रहा हूँ मेहनत, जो ये देख सकते हो सेटअप बना करके दिन रात वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक के शायद 50 के ऊपर हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं मगर वीडियो पे व्यूज़ नहीं है। आई थिंक सो लगता है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है या आप अपने प्यार देना नहीं चाहते हैं। सो ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हमें आप मोटिवेट करने के लिए अपना प्यार दें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, अगर इतने मेहनत करने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। तो वो खामियां मिटाने के लिए आपको करना है ये कि वीडियो में करना है कमेंट और कमेंट करके बताना है कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। सो जी हाँ, मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग। हमारा खाना है कड़ी खिचड़ी जो बालिका ने बनाई है। ये भी येलो और ये भी येलो। ये भी एक बात समझ में नहीं आता, कड़ी खिचड़ी दोनों येलो ही क्यों होते हैं? दोनों पीले ही होते हैं। हाँ पीले पीले। आज हल्दी है ना, हम लोग का हल्दी आज। ये है भजिया, ये है कड़ी और ये है खिचड़ी और ये है बालिका बनाने वाली, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस कड़ी बनाती है ये। इसका कड़ी हमें बहुत पसंद आता है, मराठी स्टाइल में होता है ये। तो आपको मैं दूसरे प्लेट में लाके देती हूं। कड़ी खिचड़ी खाते हैं अभी हम लोग, खिचड़ी और कड़ी का लेते हैं मजा। तब तक के लिए आप भी घूम के नहीं आए, रुकिए। डैडी क्या बोल, सुनो बाद में व्लॉग कर लेना, अभी खाना खा लो। तुम्हारे दादा बोले। मेरे दादा का नाम था रफीक। रुक जा, ठीक है? वो भी ऐसा सलाह नहीं देते थे। चलो लो बैठ के खा के बता फातिमा कैसा है, कुछ ली कि नहीं? नहीं क्यों खा रहा हूँ तुम्हें पता, तुमने कड़ी भी ले चुके हो। खाने का टेस्ट तुम्हें पता है। सुपर बनाई बालिका, थैंक यू। वेलकम। तो भीड़ कम? भीड़ कम क्यों होगी भाई, खाने में भीड़ कम थोड़ी ना रहती है। खाने में तो बहुत अच्छा कड़ी खिचड़ी बनाई है गाइस। तो खा के मिलते, बाय बाय। निकले यहाँ पे तो बारिश हो गई, कहाँ हम लोग जाने वाले थे स्कूटी से, कि स्कूटी में आदमी जल्दी पहुँच जाता लेकिन बारिश हो गई तो अब तो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। सो और थोड़ा लेट होएंगे तो आके फिर आपसे मिलते हैं। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? सो गाइस मैं आ गई स्पा करवा के, अब जरा मैं ढंग की दिख रही हूँ, वरना मैं ढंगी थी जंगली जैसी। अब थोड़ा ढंग का स्पा करने के बाद, थोड़ा अपने आप को पैम्पर करने के बाद आईब्रो भी बनाई, स्पा भी करवाई, सब करवा लिया। अच्छे लग रहे हैं वाकई में, चेहरा अच्छा लग रहा है मेरा। आप जाओगे? अरहान के फ्रेंड, अरहान का एक नया दोस्त बना है, तो वो डॉग है, आरू को बहुत पसंद है वो। उसका नाम क्या है डॉग का? लैला। अच्छा मुझे गाइस एक सवाल मेरे को पूछना है, ये स्पा होता क्या है? बालों का थोड़ा बहुत
अच्छे से वॉश वगैरह करते हैं और मसाज जो देते हैं ना वैसा लगता ना है जो आदमी के साथ जो तुम साथ जो झगड़ा कर करके हम लोग का दिमाग जो खराब हो जाता है ना। इन शॉर्ट यही है कि वहाँ पे जाके जो है सुकून मिलता है। इस स्पा का मतलब कुछ नहीं है, यही है कि सजा के अच्छे से सुला के नहला देते बस। मतलब आपको मत सिखा चल। हम लोगों का स्पा कैसा होता, 100 रुपए का बाल बनाते उसमें बोलते पानी मार दे, वो पानी मारता चुछ 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 मारा ऐसा ऐसा करके ठाक ठाक करके ठोका, बोला हो गया आपका स्पा। नहीं हम लोग का स्पा अच्छा होता है, काफी 2 घंटा गए मेरे स्पा के पीछे। सही है 2 घंटा जाता है लेकिन उसके बाद आदमी एकदम फ्रेश हो जाता है, ऐसा लगता है। वो तो है तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। हाँ इससे पहले मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ और है ना? बस आ गया। चलो फिर कल करते हैं एक चैलेंज। हाँ तुम करने के लिए तैयार हो? हाँ वो मैंने उसको बोल दिया है बालिका, उसको साइन, अरे साइन बता दिया है, अरे उसको साइन बता दिया है। क्या? कुछ नहीं, वो उसको बता दिया, प्लेट में साइन लगा के दे देगी बालिका। हम तो चैलेंज करते, ठीक है? भाई को छोड़ देते, भाई का पेट हमेशा खराब रहता है। अरे पहले से क्या बोलते हैं ना, कबड्डी खेलने से पहले डांस करके भाग रहे हैं। अभी मुझे बोलते पापा तू कुछ नहीं करती, तू कुछ नहीं करती। अरे मैं क्या करूं, मुझे पता तुम्हारा पेट का हाल, तुम्हारा पेट तुम्हारा साथ नहीं देता, मैं कितना साथ दूं, इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना। अभी अभी हम लोग ने क्या सोचे, जैसे कि है ना हर सैटरडे एक चैनल चैलेंज वीडियो आएगा, चैलेंज में कुछ भी चैलेंज रहेगा, तो ऐसा नहीं कि खाने का ही रहे, कुछ भी चैलेंज आएगा, डांस हो, खाना पीना हो, खेलना हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी तरह का चैलेंज। तो अभी हमने शुरुआत किए ही नहीं, ये बात ही कर रहे थे, तो उससे पहले इनका कहना है यार मेरा पेट साथ नहीं दे रहा, मेरा पेट है ना आज है ना, तुम क्या झूला झूला रहे हो, बात है ना हो नहीं पा रहा है, मेरा पेट नहीं साथ दे रहा, मुझे जबरन मोशन हो चुका। गजब बेइज्जती है, चुप रह, ऐसा नहीं बोला मेरे से तो नहीं होएगा। बोले ठीक है तुम मत करो, तो तुम्हारे जगह मैं बालिका को ले लेती हूँ और क्या। नहीं नहीं कल करते ना पानी का, पानी का चल करते ना। फिर वो पता व्लॉग का क्या नाम है, फातिमा रिजवी हट के फातिमा बालिका आ जाएगा। आइए हमारे कैमरा मैन बन जाएंगे। मैं ये चैलेंज करूंगा, करेंगे, ताकत आ गए। सो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो जो सैटरडे को आएगा चैलेंज का आएगा, वो चैलेंज वीडियो रहेगा, क्या रहेगा वो तो अभी आपको नहीं बताएंगे, मगर चैलेंज वीडियो रहेगा, चैलेंज वीडियो, ठीक है? नहीं वो अभी नहीं बताएंगे, मेरा हाथ दर्द देंगे। अरे बाप, व्लॉगर बनती हो, दूसरे को देख देख के बोलते हो ये कर रहे वो कर रहे, तुम पकड़ो कंटिन्यू करने तो बोलते, मैं देखो मैं ना 4.5 मिनट से बोलते जा रही हूँ, वहाँ पे 4.5 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका, और ज्यादा बोलने के लिए सीखो, इसलिए तो बोल रहे हैं बोलना चाहिए। मैं तो अल्लाह गर्मी लग रहा है। तो ठीक है हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग का चाय आ चुका है, अभी चाय पीने जा रहे हैं। चलो चाय पी लो, कल के लिए रेडी हो जाओ, चलो सामान भी लाना है कल का। चलो गाइस चाय पी लो। ये कौन बोलता है? कोई तो है जो बोलता है। चलो गाइस चाय पी लो, बेटा ढूंढ के निकाल दिया कहां से। सो कल के लिए हमें सामान भी लाना है, जाके लेके आएंगे, अभी तो फिलहाल चाय पी लेते हैं। उसने खुद खाया है, आराम होमवर्क कर लो। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी। नाम किसका खराब होगा? कैसे हम लोगों का नाम खराब होगा, तुम्हारा नाम नहीं खराब होगा? छी गंदा, वीडियो में आ गया तुम नाक में उंगली कर रहा है। शौक है जो गिर जाता है ये। कैसे गिर जाता है? सो गाइस ये था हमारा फुल डे व्लॉग, डे टू नाइट, एक ही घर में एक ही जगह एक ही सोफे पे बैठे रहे पूरा दिन, और आपको दिखा दिया। थोड़े देर के लिए फातिमा स्पा पे गई थी, स्पा करा करके आ गई। पूरा दिन हमने क्या किया वो आपको दिखला दिए, एक ही जगह सोफे पे हम लोग नहीं बैठे हुए थे, ये बैठे हुए होंगे, मैं तो नहीं बैठी हुई थी। हाँ वो पता आपको, जो पहाड़ टूट गया ना वो इसने तोड़ डाली। हाँ मैंने तोड़ी जाके, मैं बड़े बड़े काम करती हूँ। मेरे सर फोड़ी, सर पोड़ी मतलब सर पोड़ दी।
सो गाइस, आप लोगों को पता चल ही गया है कि एवरी सैटरडे हमारा चैलेंज वीडियो आएगा, जो आपको जो बताई थी मैंने सुबह की गुड न्यूज़ है ना, एक गुड न्यूज़ है, तो वो क्या है सब बता दी, तो उसके लिए आपको इसी ब्लॉग को देखते हुए सब्सक्राइब कर लेना है और चैलेंज के वीडियो का मजा लेना है। आप लोग भी हम लोग को बताइए कि क्या करना है, आप लोग भी हेल्प करिए कमेंट्स में कि हमें कौन कौन सा किस तरीके का चैलेंज करना है, तो हम लोग वो चैलेंज भी करेंगे। बाकी जो हमें जो समझ में अभी आ रहा है वो हम कंटिन्यू आपके सजेशन पे, हमें जो भी आप चैलेंज दोगे वो एक्सेप्ट करेंगे और हम करेंगे, ठीक है, हमसे हो सकेगा तो, क्योंकि मेरी बात नहीं है कि यहाँ पे है, इनसे हो नहीं पाता है, सब हो जाएगा। हाँ ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। So प्लीज हमारा ये व्लॉग आएगा चैलेंज वाला, तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब पहले कर ले अभी ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिल जाए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, सो ऑल नोटिफिकेशन करने के बाद भी बाहर निकलना, मोबाइल छोड़ना, ओके चलो लाइक कमेंट भी जरा किया करो, और कमेंट्स में प्लीज बताओ कि हम लोग क्या क्या चैलेंज करें। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल कितना ग्रो होता है, मोटिवेशन मिलता है, बट आपको एक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आपके एक सब्सक्राइब दबाने से कोई आपके कुछ जाने वाले नहीं है। सो प्लीज किसी का भला होता है तो कर देना चाहिए, बेचारे का भला हो रहा है तो कुछ कर लो भाई, प्लीज प्लीज कर देना, ओके। सो गाइस मिलते हैं हमें सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। आरु बाय करो, ये है आरु, अरहान बाय करो, आरु से बाय। ये कौन सा डमरू घुमा रहा भाई, अपन के पास टाइम नहीं है। I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you.